अलग लोग, अलग अलग दुनिया में रहने वाले। कौन सी चीज उन्हें साथ ला सकती है? इत्तेफाक? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब बात प्यार की हो रही हो तो इत्तेफाक जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम यहां? असला, असला बेटा तैयार हो गई? जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। हाँ मॉम, आ रही हूँ। ओ, कितनी अच्छी दिख रही हैं आप। ज्यादा हो गया क्या? हाँ, क्या लगता है, पैंट पहन लूँ या स्कर्ट रहने दूँ, या कहो तो स्कार्फ निकाल दूँ? माँ, आप बहुत अच्छी दिख रही हैं। नर्वस हो रही हैं क्या? थोड़ा सा। एक साल बाद नौकरी के लिए जा रही हूँ ना, इंशाल्लाह इंटरव्यू अच्छा हो। आप फिक्र मत कीजिए मॉम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें आपसे बेहतर कुक नहीं मिलेगा। आपसे बेहतर खाना कोई नहीं बनाता, आपके हाथ में जादू है। हाँ, शुक्रान ने भी मेरी बड़ी तारीफ की है, पर मुझे उसका भी टेंशन है। वैसे मैंने सालों साल फैक्ट्री किचन में काम किया है, एग्जीक्यूटिव के लिए खाना बनाया है, उन्हें भी मेरा खाना पसंद आया था। पर ये बहुत अमीर लोग हैं, अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो? माँ आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी यही उम्मीद है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओह चलो चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ हाँ चलो। असलो, बहुत ही बढ़िया केक बनाया है तुमने। सच में थैंक यू सो मच मैम। एक मिनट मैम। ये स्केच मैंने बनाया है, अगर आपको पसंद हो तो हम बना सकते हैं। बहुत अच्छा है ये, बिल्कुल बना सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं। हाँ चलो। यकीन नहीं होता, सुबह से एक मिनट भी आराम नहीं किया है मैंने। उधर मिस्टर मुराद भी चिल्ला रहे हैं, अंदर इतने सारे लोग क्यों हैं? तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? हाँ बिल्कुल चाहिए। दोनों जगह एक साथ काम करना काफी थकाने वाला होता है, बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा है आज मेरा आखिरी दिन है। आज ही? क्या तुम सच में जा रही हो? सच कह रही हो? हाँ बिल्कुल जा रही हूँ, सारे इंतजाम हो गए हैं। कैसा लगा? कितना बढ़िया है, अगर फोटो इतना बढ़िया है तो। हाँ बहुत अच्छी जगह है, पर बताया ना मैं वहाँ भी किसी से प्यार नहीं कर सकती। तुम वहाँ काम करने जा रही हो या फिर कुछ? उसमें गलत क्या है, मैं काम भी कर सकती हूँ और बॉयफ्रेंड भी ढूंढ सकती हूँ। अच्छा आइडिया है ना। लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं और तुम लोग यहाँ पे गपशप कर रही हो।
केक्स बन गए क्या? बस अभी हो जाएगा सर। तुमने सब कुछ संभाल के तो किया है ना? ये क्लाइंट बॉस के अच्छे दोस्त हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझी ना? असली इस ऑर्डर को तुम्हें जाकर डिलीवर करना होगा। ओके सर। तुम जाओ और गौंचा की मदद करो। केक तो बस बन ही चुका है, मैं लेकर आ जाऊंगी। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओके मैम। किससे मिलना है? मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ, मिसेस शुक्रा ने बुलाया है मुझे, मैं एमएल हूँ। प्लीज आप यहीं रुकिए। कम इन प्लीज। थैंक यू वेरी मच। इमेल, बताओ तो कैसी हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? आ जाओ अंदर। See you, honey. Have a good day, darling. ख्याल रखना। You too. देखो सेल्डा मैम से मैंने तुम्हारे बारे में बात की और मैंने बताया कि तुम कहाँ काम करती थी और तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें जरूर काम मिलेगा। मुझे भी लगता है शुक्रान, मेरी पीठ की प्रॉब्लम, उसके बाद मेरी सर्जरी और फिजियोथेरेपी की वजह से मैं एक साल से काम नहीं कर पाई हूँ। सारी जिम्मेदारी असल उठा रही है। पढ़ाई भी पूरी नहीं की ना? हाँ नहीं की, जबकि वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। इसी बात का बुरा लगता है, इस साल मुझे किसी भी तरह असल को यूनिवर्सिटी भेजना ही है, इसलिए काम मिलना बहुत जरूरी है। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अब चलो मैं तुम्हें सेल्डा मैम से मिलवाती हूँ। सेल्डा मैम कैसी है? जब तक काम ठीक ठाक चलता है वो हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती। आ जाओ। मिस सेल्डा। ओह माय गॉड, बुरक महजरोलू हाई सोसाइटी के एक जाने पहचाने चेहरे रात में औरतों के साथ देखे गए। ओ मुझे मार के खुश हो गए। सेल्डा मैम आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तुम कुछ कहने वाली थी क्या? मैंने आपको एक कुक के बारे में बताया था ना? मिस एमिल। नाइस टू मीट यू। मिस सुक्रन आपको सब कुछ बता देंगी। अगर आप सेटिस्फाइड हुई तो कल से आप काम शुरू कर सकती हैं। थोड़े दिनों का ट्रायल पीरियड होगा, अगर सब ठीक रहा तो। जैसा आप कहें। चलो। बुरक, बु, ये सब क्या है? कितनी बदबू आ रही है यहाँ। ओह सो डर्टी। ओह आप उठ भी जाओ। ओहो अब उठ जाओ, तुम्हें वक्त का अंदाजा है। बुरक। मॉम आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है? अभी बताती हूँ तुम्हें क्या कर रही हूँ। तुम फिर से खबरों में हो और ये पहली बार नहीं हुआ है। मेरी तरफ देखो, तुम्हारे डैड ने पता नहीं कितनी बार तुम्हें वार्न किया होगा। अब बताओ तुम्हारे पास ये कौन लड़की खड़ी है?
बस करो गाइस, चलो हटो यहाँ से। जाने दो मुझे। मेरी दोस्त है मॉम। दोस्त जैसी दिख तो नहीं रही मुझे। सच बताओ, तुम्हारा और कागला का ब्रेकअप हो गया है ना? नहीं मॉम। तो फिर ये सब क्यों लिखा है इसमें? ऐसी न्यूज आए ही क्यों? पता नहीं तुम कागला को क्या समझाओगे, और पता नहीं मैं उसकी मॉम को क्या जवाब दूंगी। क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुमने मुझे डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल दिया। बस करो मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। अब जबरदस्ती स्ट्रेस मत लो, वो वोल्कन की गर्लफ्रेंड है। वो वोल्कन की गर्लफ्रेंड है। फिर तो ठीक है, मुझे कितना टेंशन हो गया था। ऐसा मत किया करो प्लीज, मुझे टेंशन मत दिया करो, दिस इज टू मच फॉर मी। नहीं मॉम, वोल्कन हमसे पहले ही निकल गया था और हम उसके बाद निकले थे। जब रिपोर्टर्स फोटो खींचने लगे तब मैं गुस्सा हो गया था। आप वोल्कन को अच्छे से जानती है, वो अंकल से कितना डरता है। वो कार में बैठ के चला गया और ओ मेरा बच्चा, मेरी जान है तू। उसको बचाने के लिए खुद की रेपुटेशन को तूने दांव पर लगा दिया। वाह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अदा। गुड मॉर्निंग अनी। गुड मॉर्निंग डैड। इधर जल्दी ब्रेकफास्ट खा लो, हमें निकलना है। मैंने फ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए उन्हें क्लब में मिलूंगी। तो ठीक है, चलते। Thank you. Thank you. क्या बात है, बड़ी जल्दी उठ गए। तुमने अभी तक न्यूज नहीं देखी? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? रात को कुछ हो गया क्या? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही थोड़ा फ्लर्ट कर रहा था। तुझे पता है ना, मैं जब नशे में होता हूँ तो ब्यूटीफुल लड़कियों को मना नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल पता है। अच्छा तो फिर हुआ क्या, उन्होंने तुम्हारा फोटो लेके तुम्हारे साथ बदतमीजी की क्या? मैं और क्या करता, कागला को देख लेने देता। थोड़ा कंट्रोल रख लिया करो ना यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। हाँ अभी तो सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ है उसे इजमिर गए हुए, और तुम कहते हो उससे प्यार करते हो, ये प्यार है? सिर्फ प्यार की वजह से मैं एक ही लड़की के साथ रहूं? Not fair bro. एक बात बताऊं, इस बार तो तुम गए। Absolutely not. मैं उससे कहूंगा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। क्या कहा तुमने, मेरी गर्लफ्रेंड? देखो प्लीज मुझे इन सब के बीच में मत लाओ। ला चुका हूं मेरे भाई, चल ऑफिस में मिलते हैं। प्लीज बुराक, बुराक। काम हो गया। आपके लिए कुछ और लेके आओ वेलकम मैम। नो थैंक यू सो मच। शार्ला मैम आपके लिए कुछ? थैंक्स। एंजॉय योर मील। तुम्हारा दोस्त फिर से खबरों में है, देखा कि नहीं? I just can't believe this. क्या हो गया, आखिर बात क्या है? मासारोलो होल्डिंग कंपनी के वारिस हाई सोसाइटी के प्ले बॉय बुरक मासारोलो अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। एक खूबसूरत लड़की के साथ होटल से निकलते हुए बुरक फोटोज लेते रिपोर्टर्स पर गुस्सा हो गए और झगड़ा करने लगे, और उन सब के साथ मारा पीटी भी की। सब यही देखना चाहते हैं कि ये सब पढ़ने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड चार्ला गेंस का क्या रिएक्शन होता है। What does he think of himself, mom? This is too much. Oh, अब शांत भी हो जाओ। कैसे शांत हो जाऊं मॉम? अकेला होता है तो हमेशा ऐसा ही कुछ करता है, मैं हमेशा पास नहीं रह सकती। हो सकता है कोई फ्रेंड हो। आपने ये फोटो नहीं देखा मॉम, क्या ये फ्रेंड्स देखते हैं? बस इस बार सब खत्म, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। शांत हो जाओ बेटा, पहले बुराक से बात तो करके देखो। अगर जो तुम्हें लग रहा है वो सच है तो बाद में जो चाहे फैसला करना।
पर कुछ भी करने से पहले एक बार शांत दिमाग से सोच कर देखो, समझी? चलो नाश्ता करो। अरे बुरा यार, क्यों बिना मतलब फंसा रहे हो मुझे? कह रही हो? बकवास बंद करो और जाकर उससे ऑर्डर लो। मैं क्यों लूं? तुम जाओ ना। ऐसा ही करती रही तो तुम्हें कभी कोई नहीं मिलेगा, समझी? मैंने कब कहा कोई चाहिए? मैं जैसे हूं खुश हूं। ऑर्डर ले भी लिया तो क्या क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तुम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ोगी और वो वहां पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। बातें करते वक्त तुम दोनों की निगाहें मिलेंगी। शायद तुम उसे इतनी पसंद आ जाओ कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहे। जब हाथ एक दूसरे को छुएंगे तो तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगेगा और तुम दोनों एक दूसरे में खो जाओगे। तुम दोनों को एक अजीब सी एक्साइटमेंट होने लगेगी। फिर तुम दोनों खुद को एक दूसरे की तरफ बढ़ने से रोक नहीं पाओगे। वो तुम्हें अपनी ओर खींच लेगा। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़कर तुम्हें किस कर लेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं आसले? क्यों? क्योंकि ऐसा सब सिर्फ रोमांटिक मूवी में होता है। एक प्रिंस कभी गरीब लड़की से प्यार नहीं कर सकता। ऐसा तुम सोचती हो। मुझे वो वाला स्ट्रॉबेरी केक दे दीजिए प्लीज। और हाँ, एक और बात, आपके केक्स बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं, मुझे ये बहुत पसंद है। थैंक यू वेरी मच। असली केक बनाती है क्या? सच में बहुत टैलेंटेड हैं आप। थैंक यू, एंजॉय। तरफ मत देखो, मैंने सही कहा था। केक रेडी है गर्ल्स? ठीक है। आप प्लीज शांत हो जाइए सर। आप ठीक कह रहे हैं, आपका ऑर्डर थोड़ा लेट हो गया है, पर आपको बॉस को कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपका ऑर्डर बस अभी भेज रहा हूं, बहुत जल्दी आपको केक मिल जाएगा। तैयार हुआ कि नहीं? अभी हो जाएगा सर। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जाओ। Oh.
और कुछ हुआ नहीं। तुम देख कर नहीं चल सकते क्या यू स्टूपिड? Excuse me, मैडम, सड़क के बीच में आप चल रही थी। अच्छा हुआ मेरी कार को कुछ हुआ नहीं। तुम्हारी कार? तुम मुझसे टकराने वाले थे और तुम्हें अपनी कार की पड़ी है? क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है इस कार की कीमत क्या है? तो क्या? तो ये कि मैडम ये जो डैमेजेस होते ना वो आप चुका नहीं पाती। मैं चुकाती भी नहीं क्योंकि मेरी गलती ही नहीं है इसमें। मैडम क्या आपको इतना भी नहीं पता कि सड़क के बीचों बीच नहीं पेवमेंट पर चलना चाहिए? और अगर आपको ये भी नहीं पता तो मुझे लगता है जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए और तुम मुझसे झगड़ रहे हो। हेलो, माफी मुझे नहीं तुम्हें मांगनी चाहिए। चलो जल्दी माफी मांगो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी। ओह नो, अब मैं क्या करूं? केक तो बर्बाद हो गया। अब मैं मैनेजर से क्या कहूंगी और मेरे डैमेजेस का क्या? क्या डैमेजेस? यार वो बस एक केक ही तो था। वो बस केक नहीं था, वो केक एक बच्चे के बर्थडे के लिए था। जरा सोचो वो कितना दुखी हो जाएगा और उसके डैड मेरे मैनेजर की हालत खराब कर देंगे और तुम इसका मतलब जानते भी नहीं हो। Look, I don't know and I don't care. तुम पहले ही काफी टाइम वेस्ट कर चुकी हो मेरा। ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। यार एक केक के लिए इतनी बहस क्यों कर रही है ये? ये लो, देख क्या रही हो? ये कम लग रहे हैं क्या तुम्हें? और दूं मैं तुम्हें? अरे अब लो ना। ए, 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 क्या कर रही हो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? छोड़ो। हिसाब बराबर। साइको है क्या ये? गुड डे सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। निहत सर आ गए हैं। ठीक है, थैंक यू। डैड अंकल आ चुके हैं, बुराक भी आता ही होगा, मैं जाकर उसे थोड़ा मिल आता हूँ। और आप भी थोड़ा अंकल को समझाइए। इस बार तो बुराक गया, हर बार बच जाता है। हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं, हर बार मैस वो क्रिएट करता है और सफाई हमें करनी पड़ती है। उस पर गुस्सा भी नहीं हो सकता, मैं भी जवानी में ऐसा ही था, वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। गॉड, अब मैं क्या करूं? भाई क्या हो गया? आसले आखिर हुआ क्या? पूछो भी मत गौंजा, मेरी नौकरी गई। ये सब हुआ कैसे? रास्ते में एक साइको मिल गई थी। उस बेवकूफ की वजह से। यार पागल थी वो लड़की, एकदम से कार के सामने आई और मुझे ब्लेम करने लगी। उसके बाद तो तुम्हें दिख ही रहा है क्या हुआ। क्या मतलब? ये सब उसका काम है। अच्छा किया तुमने, उसका कांच भी फोड़ देना। उसे लगता है कि वो अमीर है तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी खरीद सकता है। हाँ, जब उसने मेरी कार देखी वो मेरे सामने आ गई। ये सब उसका प्लान था, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। उसने मुझे केक के पैसे देने की कोशिश भी की, मानो पैसों से वो केक वापस आ जाएगा। उस बेवकूफ को पैसों का घमंड बहुत है, बदतमीज। ब्रो मैं उसे केक के पैसे तक दे रहा था और शायद उसे वो भी कम लग रहे थे। पागल है वो, साइको कहेगी। एक बात बताऊं, तुम सस्ते में छूट गए भाई।
जाने दो, इससे भी बुरा हो सकता था। तुम ही बताओ कैसे हो सकता है, अब मैनेजर मुझे निकाल देंगे। तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? सर मैं आपका ऑर्डर भेज चुका हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं सर। ना तो छोड़ो, वो तुम्हें मार भी सकता है। भाग लो यहाँ से। असली इधर आओ जल्दी। कार को गैराज में ले जाओ और ठीक करवा लाओ। ओके सर। डैड आ गए क्या? हाँ, और शायद वो अभी न्यूज ही पढ़ रहे होंगे। सिर्फ अंकल ही उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जरा इसे देखो, कितनी बार कर चुका है। हम भी कभी जवान थे, उसकी उम्र में मैं काम भी कर रहा था और स्कूल भी जा रहा था और फैमिली को भी देख रहा था। पता है भाई, समझता हूं। जवानी में इधर उधर घूमना, ड्रिंक करना, मजे करना और लड़कियों को घुमाना, उनके साथ फ्लर्ट करना अच्छा लगता है, पर जर्नलिस्ट पर हमला करने का क्या मतलब है? ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। अब यही सब देखना बाकी रह गया था। हमारा भी नाम है, हमारी इज्जत है। एकदम ठीक कहा। और काम का क्या? नहीं, स्कूल का क्या? वो भी नहीं। और क्या, बस ऐसे ही घूमता रहता है। देखो ये सब खत्म करना ही होगा। देखो वोल्कन भी तो यंग है, पर दोनों कितने अलग हैं, जबकि दोनों साथ में बड़े हुए हैं। मुझे गलत मत समझना भाई, पर तुमने उसे बिगाड़ा है। कॉलेज खत्म हुए एक हफ्ता हो गया है और वोल्कन काम भी करने लगा है। वो बोधरम जा रहा है और हमारे नए होटल में काम करेगा और वहां का सारा काम खुद संभालेगा। और मेरा बेटा छुट्टी मनाने अमेरिका जा रहा है। बट यू आर राइट, मैंने उसे बिगाड़ा है, हम सब ने बिगाड़ा है, सबकी गलती है। डैड, आई गेस आप कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, मैं बाद में मिलता हूं। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए। बुराक, अंदर आओ। सर आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, वो मुझसे टकराने ही वाला था और घबराहट में मुझसे केक छूट गया। बस करो, क्लाइंट यहाँ पे कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, बॉस से मुझे डांट पड़ चुकी है। तुम एक छोटी सी डिलीवरी नहीं कर सकती हो? निकल जाओ यहाँ से। पर मुझे पर कुछ नहीं सुनना, निकल जाओ यहाँ से। तुम नॉर्मल इंसान बनना चाहते हो ना? मैंने कितनी बार कहा है कि मैं किसी भी पेपर में तुम्हारी कोई भी ऐसी वैसी खबर नहीं देखना चाहता। फ्रंट पेज पर हो तुम। डैड आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? दोस्तों के साथ पार्टी करना गुनाह है क्या? आप प्लीज इतना ओवर एग्जैजरेट करके मत बताइए। और ये भी सीरियस है, मुझे अवार्ड्स मिलते हैं, मैं बिजनेसमैन ऑफ द ईयर चुना गया हूं, पर तुम जाकर लड़कियों के साथ मौज मस्ती करते हो और जर्नलिस्ट पर हमला करते हो। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, अब बहुत हो गया। सबसे पहले जब तक तुम्हारा रवैया ठीक नहीं होता, तुम कार को हाथ नहीं लगाओगे। तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स भी मुझे चाहिए, सारे अकाउंट्स फ्रीज कर रहा हूं। तुम वोल्कन के साथ बोधरूम जाओगे और वहां जाकर हमारा नया होटल संभालोगे। वोल्कन तुम पर नजर रखेगा। डैड आप मजाक कर रहे हैं क्या? मैं अगले हफ्ते स्टेट्स जाने वाला हूं, सब तय हो चुका है राइट? अमेरिका, भूल जाओ अमेरिका ऑफ अमेरिका। बोधरूम में नहीं भेजना चाहिए तुम्हें, पर ठीक है, वहां कम से कम तुम बिजी तो रहोगे, क्योंकि काम करना पड़ेगा तुम्हें, समझे? डैड मुझे होटल संभालना नहीं आता। सीख जाओगे बेटा, सीख जाओगे। डैड, डैड ये आइडिया आपने उन्हें दिया ना? बुरा को मत बताना। यकीन नहीं होता, आज तो यहाँ पर मेरे काम का आखिरी दिन था। मुझे लगता है ये एक साइन है, तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। कहाँ? बोधरूम। हाँ, वहाँ हम साथ काम कर सकते हैं। पता नहीं, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? होटल के मालिक बदल रहे हैं, इसलिए वो लोगों को रख रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ,
वो अच्छा पैसा देते हैं, एक हफ्ते में एक महीने जितना कमा सकते हैं और साथ में टिप्स भी मिलेंगे और बाकी कोई खर्चा नहीं, रहना खाना सब कुछ फ्री है, छुट्टी और नौकरी के साथ भी, ये मौका जाने मत दो। पता नहीं मेरी माँ का क्या होगा। हम कहीं नहीं जा रहे, वो एक शानदार होटल है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, और वैसे भी तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई पर तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हम वहाँ एक सीजन काम करेंगे, बहुत सारा पैसा बचाएंगे और फिर कॉलेज शुरू कर देंगे। तुम ठीक कह रही हो गांजा। तो अब जाओ अपनी मॉम से बात करो और मुझे बताओ। ओके हाँ ठीक है। कितने जिद्दी है ना, अब मैं क्या करूं यार, ये सब तुम्हारी वजह से। अब इसमें मेरा क्या लेना देना, इतना परफेक्ट बेटा बनना जरूरी था क्या? अरे क्या भाई, फिक्र मत करो तुम, बॉर्डरम इतनी भी बुरी जगह नहीं है यार। मैं आराम करूंगा और तुम काम करोगे, ठीक है? हमेशा की तरह। आज पूरे दिन कागला से बात नहीं किया, I'm sure वह गुस्सा होगी। गुड लक। फाइनली। हेलो, हाउ आर यू डार्लिंग, सब ठीक है ना? तुम्हें क्या लगता है बुरक, सुबह से इंतजार कर रही हूँ कि तुम फोन करोगे और सब एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन करूँ? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, पेपर में सब बड़ा चढ़ा कर लिखते हैं, वो लड़की वोल्कन की गर्लफ्रेंड है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो, वोल्कन की गर्लफ्रेंड? क्या सच में? हाँ, वोल्कन हमसे पहले चला गया था, जब रिपोर्टर्स ने हम दोनों को साथ में देखा तो उन्हें लगा हम साथ हैं। जब फ्लैश चमकने लगी तो मुझे गुस्सा है। बस इतना ही। बेबी तुम्हें सच में लगता है कि मेरा उस लड़की से कोई लेना देना था? मुझे ऐसा ही लगा था पर अब बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैं चश्मे में हूँ और तुम इस्तांबुल में, इतनी दूर रहकर गलत फहमियाँ तो हो ही सकती है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। अच्छा है कि अगले हफ्ते हम साथ होंगे और स्टेट्स में हम छुट्टियाँ साथ बिताएंगे। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? कल रात डैड बहुत गुस्सा हो गए थे और मुझे स्टेट्स जाने से मना कर दिया। वो चाहते हैं कि मैं उस होटल में काम करूं जो उन्होंने बोथरूम में खरीदा था। यार सब कुछ सिखाना चाहते हैं वो मुझे। मतलब हम स्टेट्स नहीं जा रहे हैं ना बुराक, क्योंकि तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम होटल में काम करो। तुम्हें लगता है कि मैं इस झूठ में यकीन करूंगी? अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना है तो मुझे बता दो, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना तुम? हे क्या कह रही हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा यार। सच में औरतों को समझाना बहुत मुश्किल है, पता नहीं वो किस पर यकीन करे और किस पर नहीं। खुशबू और स्वाद दोनों बढ़िया है। मॉम, असलू, मैं घर आ गई। अरे बेटा, केक शॉप पे कुछ हुआ क्या? आज तुम जल्दी कैसे आ गई? नहीं कुछ नहीं हुआ। तो बताओ आपका इंटरव्यू कैसा हुआ? बहुत बढ़िया, मैं कल से शुरू कर रही हूँ, अगर उन्हें काम पसंद आया तो मेरी नौकरी पक्की समझो। ओह मॉम, आप कितनी अच्छी हो। मेरा बच्चा। मैंने कहा था ना आपसे, आपको ये नौकरी मिल जाएगी। ठीक कह रही हो, ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत जरूरी था, तुम एक साल से घर की जिम्मेदारी उठा रही हो। मॉम ऐसी बातें मत कीजिए, कैसी जिम्मेदारी है? और हमारे पास एक दूसरे के अलावा है ही कौन। ओ मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? असला बताओ बात क्या है बेटा, तुम काम से जल्दी क्यों आ गई? मैं जल्दी नहीं आई, मुझे निकाल दिया। क्या? पर क्यों, कैसे? मैं केक डिलीवर करने गई थी और एक कार से टकरा गई और केक गिर गया, केक हवा में उड़कर मेरे सिर पर गिरा, उसके बाद मुश्किल हो गई। तुम्हें चोट तो नहीं आई बेटा? सबसे बुरी बात यह है कि मुझे निकाल दिया। छोड़ो ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें और कोई नौकरी मिल जाएगी। हाँ शायद मिल गई है। एक फाइव स्टार होटल है, कांजा भी वहाँ काम करने वाली है,
उस होटल का एक नया मालिक है, वो नए लोगों को रख रहा है। मॉम गौंजा उनसे मेरे बारे में बात करने वाली है। बढ़िया है, उसे बोलो अभी बात कर ले। बढ़िया तो है पर अब क्या हुआ? वो होटल यहाँ नहीं है, बोधरूम में है। बोधरूम में? मॉम ना बोलने से पहले एक बार सोच तो लीजिए। बिल्कुल नहीं असलम, देखो मुझे तुम पर भरोसा है पर दूसरों पर नहीं है। बिल्कुल नहीं, वहाँ तुम अकेली अकेली करोगी क्या? देखो मैंने डिसाइड कर लिया, तुम नहीं जा सकती। मॉम वो ऐसे वैसे जगह नहीं है, 5-स्टार होटल है, हम वहाँ काम भी करेंगे और रहेंगे भी। अगर कुछ महीने भी मैंने वहाँ काम कर लिया ना तो मैं अपने कॉलेज की फीस दे पाऊंगी। मॉम वहाँ रहने में क्या होगा, और वैसे भी काम ढूंढना मुश्किल है। मॉम प्लीज मॉम प्लीज। ऐसे मत देखो, तुम्हें ऐसे देखती हूँ तो मैं ना नहीं कर पाती। प्लीज ना। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जा सकती हो, आ जाओ। तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच मॉम, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको शिकायत नहीं होगी और वहाँ सब कुछ ठीक होगा। मैं अभी जाती हूँ, गौंजा से बात करनी है। ठीक है बेटा, खाना तैयार है, जल्दी आ जाना। हाँ। ये क्या कर रही हो बेटा, पीठ में दर्द हो जाएगा। मॉम मैं लेट हो गई। ये लो। ये क्या है? रास्ते के लिए है। सिर्फ 2 घंटे में पहुंच जाऊंगी माँ, मैं फ्लाइट से जा रही हूँ। तो जब भूख लगे तब खा लेना, इन्हें रख लो। अब चलो, एक मिनट रुको 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 रुको। असला गौंसा एयरपोर्ट पर मिलेगी ना? हाँ वो मिलेगी। असला असला यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो असला, वहाँ पहुँच कर कॉल कर देना, नहीं तो मुझे फिक्र लगी रहेगी। ठीक है मॉम। ध्यान से जाना, चलो रुको रुको रुको, मैं मदद करती हूँ तुम्हें। मैं लेती हूँ ना मॉम। असला क्या जाना जरूरी है? हाँ मॉम हम इस बारे में बात कर चुके हैं। मॉम प्लीज ऐसा मत करो, मुझे दुख होगा। हैव अ सेफ फ्लाइट। रुको रुको मैं उठाती हूँ। ठीक है मैं ले जाऊंगी। अपना ख्याल रखना, जाओ ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे। मॉम आपने प्रॉमिस किया था कि आप मेरे स्टेज जाने के लिए उन्हें मना लेंगी, मैं वहाँ 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं रहने वाला, सब डिसाइड हो चुका है, नहीं तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। शांत हो जाओ बुरक, अपने डैड का गुस्सा शांत हो जाने दो। तुम तो वॉल्कन के साथ बॉर्डरम जा रहे थे ना? उसका प्लेन फुल था और मैंने बाद में बुक किया, इसलिए मुझे उसकी अगली फ्लाइट की टिकट मिली। ओके स्वीटी टेक इट इजी वरना फ्लाइट छूट जाएगी, और ज्यादा मस्ती मत करना। रुको 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 रुको, मैं तो भूल ही गई थी, ये लो कभी जरूरत पड़े तो, और ये भी रख लो पर फालतू खर्च नहीं करना। अपने डैड को बिल्कुल मत बताना, ठीक है? ये हमारा सीक्रेट है। यू आर द बेस्ट मॉम। पहुंच के कॉल करना। बिल्कुल।
तुम यहाँ? Bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.